कार्तिक के महीने की दीपावली पर्व। लोग कहते हैं दीपावली एक दिन की है। शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव दीपावली में भी पीछे पचवीगन स्नान का फल मिलता है और कार्तिक महीने की इस अमावस्या के अंतर्गत भी 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद मिलता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दुर्गोत्सव, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहती है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बड़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना, मुहूर्त पूछिए मनाना, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर देवालय शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो उस पर रख, एक सुंदर वस्त्र बिछा, वस्त्र बिछा कर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का क्वाइन ना हो, तो अपना जो क्वाइन आता है, एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी क्वाइन आता है वो रख दीजिए, और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए, और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के लंबी बाती, एक दिया तेल, तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड के, जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर, मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए, पूजन का सामान कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी, हल्दी की गांठ, अमरबेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाए, उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी, जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 कमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर
नारायण की आराधना कर कर, दामोदर भगवान की आराधना कर कर, माँ लक्ष्मी की आराधना कर कर दोनों हाथों से समर्पित कर। कंकु रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर कर डाली, हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डाली, और जो सात दिए आप भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब सात दिए जो तुमने थाली में लिए हैं प्लेट में लिए हैं उससे माता लक्ष्मी की आरती करिए। कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की है, भगवान को समझ आरती। झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारिए। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूध, ये पांच दिन इधर के, और पांच दिन देव दीपावली का, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास किया, परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये पांच दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और पांच दिन जो पचवीगन आएगा पूर्णिमा का समय जब आएगा उस समय पर, अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये पांच दिन इधर के, पांच दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही नहीं, खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर, एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल, और एक जम के बोलो कमल, एक कमल, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित, बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से पांच दिन, ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दो, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में, क्या ये पांच दिन इधर के, पांच दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की ये पवित्र आज धनतेरस के पूजन का अपने विधान जाना। कल दामोदर मास, कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, कैसे ये दीपावली महापर्व मनाया जाए, कैसे ये दीपावली महापर्व का आनंद हमारे जीवन में सुख प्रदान करे। लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता, हमेशा लंबी बत्ती का होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो, चाहे घी की लगा रहे हो। भाव से बैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर, चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही, जैसा पहले कल कहा गया, रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में दो दीप लगेंगे रूप चौदस के दिन, दो दीप, एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा,
दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें चार लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, चार बत्ती, ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली चावल मोली हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए, मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से पांच कमलगट्टे, पांच हल्दी की गठान, पांच अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल पेड़ों पर चलती है पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है, वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। पांच टुकड़े अमर बेल के, पांच हल्दी की गठान, पांच कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में, जो तेल का दिया है चार बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो उसको पूरे घर में घुमाकर, रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया चार बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है, ये रूप चतुर्दशी की पूजन का। जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है, तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है, तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन एक लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे रूप चतुर्दशी के दिन, तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए, और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है, आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है,
पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी ये प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में, ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहां पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर दो दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा कि वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर चौक पूर कर बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रखिए, वापिस रखिए। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है, आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप करते आ। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना, अखंड माता लक्ष्मी का जल। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहे ऐसा दीप पर ध्यान देना है, और माता लक्ष्मी की पूजन कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकू माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का, बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसी की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का, कार्तिक का महीना हो, दामोदर मास हो, प्रयास करो तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करो। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं,
और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बैठी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो, अच्छा लगेगा? बोलो जम के बोलो जरा, नहीं लगे। क्या कहेगी वो, मुझे जलाएगी क्या, मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। महीने में तीन और एक तुलसा महारानी चार, ये चार जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास में कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी महत्व है। कई लोग कहते गुरु जी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है थाली में, पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप चौदस पर करी, रूप चौदस से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो पांटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो, और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर दो दिए लगाना है। दो दीप आपकी बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है, और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही दो दिए से जो रखे हैं उन्हीं दो दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली, ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन चार दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर। चार दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, पांचवा दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छीटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के दो दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें, अपनी लाकर अलमारी खोल कर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, पाँचवें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहें। कोई दिया अखंड नहीं है, दो पाँच मिनट दस मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर झोली पसार कर प्रणाम कर कहना बाबा हमने पांच दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने पांच दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो, ऐसी पांच दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व, लक्ष्मी पूजन में प्रसाद फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए,
जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो। पांच दिवसीय दीपावली महापर्व को मनाओ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये पांच दिन बड़े प्रेम से सेवा करो माता लक्ष्मी की, आराधना कुबेर बाबा का नाम लेकर करिए। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, लगाइए, स्मरण करिए, बाबा से माता लक्ष्मी से झोली पसार पसार प्रणाम करिए, विनय करिए, माँ सबके भंडार भरे, ये भाव रखिए सबके भंडार।